राम अपने ऑफिस के काम में बिजी होता है, तभी उसके फेसबुक मैसेंजर पर एक मैसेज आता है। राम अपना मोबाइल चेक करता है तो उसे अपने दोस्त सनी सिंह का मैसेज दिखता है और वो मैसेज को पढ़ता है। इस वक्त सनी सिंह ने क्या मैसेज भेजा है, क्या लिखा है? मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, मुझे 10,000 की सख्त जरूरत है, अभी पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ इस नंबर पर। हे भगवान, क्या हुआ होगा सनी सिंह को, मैं अभी पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ। पैसे तो ट्रांसफर हो गए, अब सनी सिंह को पूछता हूँ कि उसे क्यों हॉस्पिटल में एडमिट किया है। हेलो, बोल भाई राम, कैसे हो तुम? बहुत दिनों के बाद कॉल किया है। अरे भाई, मैं तो ठीक हूँ, तुम्हारी तबीयत कैसी है? अब तुम क्यों हॉस्पिटल में एडमिट हो भाई? मैं और हॉस्पिटल में एडमिट? नहीं तो, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं तो घर पर हूँ भाई अभी। इसका मतलब मेरे साथ धोखा हुआ है? क्या हुआ, साफ साफ कहो ना राम। कैसे बताऊँ सनी प्राजी, मुझे थोड़ी देर पहले फेसबुक मैसेंजर पर आपका एक मैसेज मिला था कि आप हॉस्पिटल में एडमिट है और आपको 10,000 अर्जेंटली चाहिए। मैंने सोचा इमरजेंसी है, इसलिए तुरंत पैसे ट्रांसफर कर दिए। ओ यार, ये क्या कर दिया तुमने? पैसे भेजने के पहले वेरीफाई तो करना था एक बार, एक कॉल तो कर दिया होता कम से कम यार। हाँ यार, वही गलती कर दी मैंने। अरे भाई, अब जो हो गया सो हो गया, अब इसके बाद ख्याल रखना, तुम्हारा फेसबुक अकाउंट किसी ने हैक करके ऐसे मैसेज तुम्हारे फ्रेंड लिस्ट में जितने भी लोग हैं उनको भेजा है। तुम्हारे साथ साइबर क्राइम हुआ है, इसलिए अभी इसी वक्त इसकी cybercrime.gov.in पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर दो। हाँ, अभी सब स्क्रीनशॉट लेकर शिकायत दर्ज कर देता हूँ। हेलो दोस्तों, आपने अभी इस एनिमेशन में देखा कि कैसे साइबर क्रिमिनल राम का फेसबुक अकाउंट हैक करके उसके फ्रेंड लिस्ट में जितने भी लोग हैं उन सभी को इमरजेंसी का बहाना बनाकर पैसों की रिक्वेस्ट करते हैं, रिक्वेस्ट भेजते हैं। अब जिनको ये मैसेज मिलता है उनको लगता है कि सच में कोई इमरजेंसी है, इसलिए वो पैसे ट्रांसफर कर देते हैं और साइबर क्रिमिनल के जाल में फंस जाते हैं। इसलिए अगर आपको आपके दोस्त से या आपके रिश्तेदार से फेसबुक मैसेंजर पे कोई पैसे की रिक्वेस्ट मिली है तो पहले वेरीफाई करें और बाद में पैसे ट्रांसफर करें, क्योंकि ये रिक्वेस्ट किसी साइबर अपराधी का जाल भी हो सकता है। अगर आप इस तरह के साइबर अपराध में फंस जाते हैं तो तुरंत www.cybercrime.gov.in इस वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें या हेल्पलाइन 155260 पर अपनी शिकायत दर्ज करें। दोस्तों, इसी के साथ अलविदा लेते हैं, फिर मिलेंगे नई साइबर सुरक्षा टिप के साथ अगले वीडियो। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारे चैनल के आने वाले वीडियोस आपको निरंतर मिलते रहेंगे। जागरूक रहे, सतर्क रहे और साइबर सुरक्षित रहे। साइबर सिक्योरिटी के टिप्स जानने के लिए और जागरूक होने के लिए इन्फोसेक हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आप टाइम टाइम पर अपडेट होते रहें।